सांगली के जामभुलनी गांव की नदी से हर दिन लाखों की अवैध रेत का खनन किया जा रहा है। आठपाड़ी तहसील के राजस्व अधिकारी और रेत माफिया दोनों मिलकर हर दिन लाखों के राजस्व को चूना लगा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी शिकायत को नजरअंदाज किया जा रहा है। नाराज ग्रामीणों ने 1 जून से एसडीएम ऑफिस के सामने अनिश्चितकालीन अनशन करने का मन बना लिया है। सांगली के जामभुलनी गांव की हद में नदी जितना बड़ा नाला बहता है, नाले का कुल 13 किलोमीटर क्षेत्र इस गांव की हद में पड़ता है। इसमें अच्छी क्वालिटी की रेत है। सरकार और ग्राम पंचायत की ओर से रेत उठाने का किसी भी प्रकार का किसी को भी ठेका नहीं दिया है, लेकिन रेत माफियाओं ने सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से हर दिन लगभग 50 रेत की अवैध तरीके से रेत चोरी करने का सिलसिला चालू है। यह काम पिछले 3 साल से लगातार शुरू है। इससे हर साल करोड़ों का राजस्व डूब रहा है। रॉयल्टी से मिलने वाली धनराशि का कुछ हिस्सा गांव के विकास के लिए मिलता है, लेकिन राजस्व डूब जाने से गांव की तरक्की भी रुक गई है। हाँ, मैं जामभुलनी गांव का रहवासी हूँ, तहसील आठपाड़ी, जिला सांगली। हमारे गांव में एक बहुत बड़ा नदी है। इस नदी का जो पात्र है, उस पात्र से वालों की चोरी हो रही है, रेत की चोरी हो रही है। गत 3 साल से चोरी हो रही है। हमने बार बार तहसील को, पुलिस स्टेशन को कार्रवाई के लिए निवेदन दिया था, लेकिन कुछ भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए हमने 12 मई को निवेदन दिया था, वो अभी उस निवेदन का भी तहसील ने विचार नहीं किया है। इसलिए हमने वो समय अनशन 1 जून से हम कर रहे हैं और अनशन कर रहे हैं। शासन ने उस पर ध्यान देना चाहिए और हमें न्याय देना चाहिए। और दूसरा ऐसा होता है, जो रॉयल्टी होती है, रॉयल्टी शासन की डूब जाती है और गांव में जो उसका कुछ अंश मिलता है गांव के विकास के लिए रॉयल्टी का, वो मिलता नहीं है। इससे गांव का भी नुकसान हो रहा है। रेत माफियाओं को स्थानीय नेता और पुलिस का भी समर्थन होने से रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि अगर कोई उनके खिलाफ आवाज उठाता है तो उस पर हमला करने से जरा भी नहीं हिचकिचाते। उनके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज होने के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं होने की बात पीड़ित किसान कर रहे हैं। और इन रेती चोरों के खिलाफ जितनी भी कम्प्लेंट जाए, उनके उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। मुझे और मेरे चचेरे भाई चाचा को रेती चोराते समय ये लोग को रोकने पर इन्होंने हम तीनों को भी मारहाण की गई है। इनके खिलाफ आठपाड़ी पुलिस स्टेशन में एफआईआर नोंद है, तहसील ऑफिस में इनके खिलाफ कंप्लेंट है, मगर इन पर कोई पूरी कार्रवाई की नहीं जाती है। इनको राजकीय नेताओं का और पुलिस स्टेशन और तहसील का पूरा सपोर्ट है। इस वजह से ये पूरे गांव में दहशत निर्माण करते हैं। अर्दिन नाले से रेत उठवाने से नाला खाली पड़ा है। इससे गर्मी के दिनों में पीने और खेती के पानी की कमी से गांव वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये नदी पात्र है, यहाँ से वो वाड़ू माफिया है। ये वाड़ू माफिया रेती चुरा के लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक खड्डे है, ये खड्डे में पानी नहीं रुकता और ये पानी नहीं रुकने से वो निकल जाता है और बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल जाता है, खेती को नहीं पानी मिल जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या हो रहा है, तो उनके खिलाफ बहुत ही बहुत कार्रवाई हो जाए कीजिए। पीड़ित गांव वालों ने दोषी अधिकारी पर कार्रवाई और रेत माफियाओं से सूट के साथ राजस्व वसूलने के लिए एसडीएम से न्याय की गुहार लगाई। अब देखना ये होगा कि गांव वालों को न्याय मिलता है या नहीं।